ईशान और जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म धड़क के पोस्टर रिलीज। अभी हाल ही में कंफर्म हुआ है कि श्रीदेवी का लाडली बेटी आखिरकार बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार हैं। पिछले काफी दिनों से श्रीदेवी अपनी बेटी जाह्नवी के करियर को लेकर काफी सीरियस है, लेकिन आखिरकार जाह्नवी को बॉलीवुड डेब्यू मिल ही गया। फिल्म मेकर करण जौहर जाह्नवी को लेकर मराठी फिल्म सैराट के हिंदी रीमेक से उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। जाह्नवी अब सैराट से हिंदी रीमेक से ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। जाह्नवी का पहला कदम बॉलीवुड में फिल्म सैराट से ही होगा। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग 1 दिसंबर से शुरू होगी। इस फिल्म में जाह्नवी के हीरो शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर भी होंगे, जो खुद भी इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। वहीं फिल्म का नाम अब सामने आ गया है। दरअसल हाल ही में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में करण फिल्म को लेकर बात करते दिख रहे हैं। करण ने कहा है कि धर्मा प्रोडक्शन वही प्रोडक्शन हाउस है जिसने वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट जैसे कलाकारों को बॉलीवुड में लाया। अब फिर एक बार हम दो नए चेहरों की अपनी आगामी फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कराने के लिए तैयार हैं, जिसकी घोषणा शाम 5 बजे की जाएगी। करण की आने वाली इस फिल्म का नाम धड़क होगा। अब लीजिए फिल्म से जुड़े पोस्टर सामने आए हैं। जी हाँ, हाल ही में फिल्म धड़क के 3 नए पोस्टर खुद फिल्म मेकर करण जौहर ने शेयर किए हैं। इन पोस्टर्स ने जाह्नवी और ईशान की केमिस्ट्री बेहद ही शानदार लग रही है। इसके साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा हुआ है। ये फिल्म अगले साल 6 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म को करण जौहर ही बना रहे हैं। करण का धर्मा प्रोडक्शन इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा शशांक खेतान इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इस फिल्म की कहानी काफी हद तक मराठी फिल्म सैराट से मिलती जुलती होगी। खैर, देखते हैं कि जाह्नवी और ईशान की जोड़ी पर्दे पर क्या धमाल करती है।